anime fans, ho jao ready to witness the ultimate anime blast. Anime Booth laya hai non-stop anime ki sogaat. Ab ye hui na baat. 24 hours Hindi mein dekhiye amazing shows back to back, Action Attack aur Comedy Bunch. Padega zordar. Only on Anime Booth. Anime Unleashed. देखिए ना, धकेल का एनिमल अटैक पड़ा है। अच्छा, बॉस, अब तो बर्न अटैक भी पड़ गया। जल्दी आइए, इसे ज़ू में शिफ्ट करना पड़ेगा। ठंड रखो, ओए ठंड रखो। शक्ल तो तेरी है, चिड़ियाघर में भर्ती होने लायक। अच्छा, शक्ल से कुछ नहीं होता थकेले, अगर की बात करें ना तो तुझे चिड़ियाघर क्या सर्कस में भेजना चाहिए। जोकर कहीं का। मुझे जोकर कहा? तू बड़ा वाला जोकर। अरे तू जोकरों का बॉस है, तू जोकरों का सरदार, तू जोकरों का सबसे बड़ा बॉस, तू जोकर, तू तू तू। अरे चिड़ियाघर जाना है या यूं ही लड़ते रहोगे तुम लोग? जाना बॉस। एक शर्त पर ले जाऊंगा, अगर तुम दोनों वहाँ झगड़ा नहीं करोगे तो। नहीं करेंगे, प्रॉमिस, फ्रेंड्स। ठीक है, लेट्स गो, आज चिड़ियाघर की सैर हो जाए। चलो। पापा, ये मंकी यहाँ बैठा क्यों है? बताइए ना, यहाँ से वहाँ कूद क्यों नहीं रहा? अरे हाँ बॉस, बच्चे ने सही कहा, इसे तो कूदना चाहिए, बंदर शांत कम ही रहते हैं। हम यहाँ पर शांत इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम बहुत दुखी हैं। अरे, हमारी बात का जवाब दिया, यानी इन्होंने हमें देखा। दुखी है तभी चुपचाप है, मतलब कि हमारी मदद की जरूरत है। आप हमें बता सकती हैं कि आपको किस बात की परेशानी है? परेशानी नहीं बल्कि बहुत परेशानी है। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा सा बच्चा पता नहीं कहाँ पर चला गया। कहीं चला गया? अरे ऐसे कैसे चला गया? सही बात है, पिंजरे से कोई कैसे जा सकता है? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो पिंजरे के बाहर जा नहीं सकती हूँ, इसलिए अपने जिगर के टुकड़े को मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ। क्या आप मेरे बच्चे को ढूंढ कर ले आओगे प्लीज? अरे नहीं नहीं, प्लीज मत कहिए। अगर आपका बच्चा इस चिड़ियाघर में ही कहीं होगा तो हम उसे ढूंढ के ले आएंगे। थको पक्को, रेडी फॉर एक्शन बॉस। डम डम डम, चलो करे सर्च खत्म। अरे बंदर, क्या मेरा बच्चा भी खो गया है क्या? और क्या, एक हफ्ता हो गया कहीं नहीं मिल रहा, कब से उसको ढूंढ रही हूँ। मेरे पति ने तो खाना पीना भी छोड़ दिया, बहुत टेंशन में हूँ रे बाबा, मैं तो बहुत टेंशन में हूँ। सच में, मुझे तो लगा था सिर्फ मेरा छोटू ही गायब है, अब क्या होगा, कहाँ है सबके बच्चे? सबके बच्चे गायब हो रहे हैं, इसका मतलब वो खुद गायब नहीं हुए हैं, कोई है, कोई है जो उन्हें गायब कर रहा है। पर कौन बॉस? मुझे लगता है इसी चिड़ियाघर का मालिक। डम डम डम, चलो करे पाप खत्म। अरे वाह 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 वाह, आज चिड़ियाघर में काफी भीड़ है। पहले खाना खा लेता हूँ, फिर अपना काम शुरू कर दूंगा। ये क्या, ये 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 क्या हो रहा है? मेरा टिफिन हवा में कैसे उड़ रहा है? कैसे मेरा टिफिन गायब? ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? टिफिन के डिब्बे वैसे ही गायब हो रहे हैं जैसे तुम्हारे इस चिड़ियाघर के जानवरों के बच्चे गायब हो रहे हैं। कौन है, किसकी आवाज है? सामने आओ, और तुम्हें कैसे पता चला कि बच्चे गायब हो रहे हैं? ये तो मैंने किसी को पता नहीं चलने दिया था, ये कैसे हो रहा है? बचाओ भूत, बचाओ भूत। बचाओ नहीं, बताओ, तुम्ही ने जानवरों के बच्चों को गायब किया है ना? कहाँ रखा है उन्हें? नहीं, मैंने गायब नहीं किया, नहीं किया। क्या मतलब, जल्दी बताओ,
वरना तुम्हारे हाथ पैर खींच के लंबे कर दूंगा। छोड़ दो, छोड़ दो, मेरे हाथ पैर मत खींचो, प्लीज। बताता हूँ, मैं सब सच सच बताता हूँ। तो बताओ ना, बच्चों को गायब करके कहाँ रखा है? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बच्चों को गायब नहीं किया, मैंने इसलिए पता नहीं चलने दिया कि ये चिड़ियाघर जानवरों को कैद करके गायब करने के लिए नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए बनाया है। फिर भी वो गायब हो गए, मुझे लगा इस लापरवाही की मुझे सजा मिलेगी, इसलिए मैंने बात सबसे छुपाई रखी। तुम्हें क्या लगता है कौन गायब कर सकता है? मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ पता नहीं चल रहा, ना पिंजड़े टूटे हैं, ना कोई चोर आया, अभी समझ ही नहीं आ रहा ये सब हो कैसे रहा है। चिड़ियाघर से जानवरों के बच्चे गायब और मालिक को ही पता नहीं चल रहा, वाह, आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे? ये कहाँ गायब हो गए? भूत! आपने उसे छोड़ क्यों दिया बॉस? वही तो, हमें कहते उसे एक मिनट में सब कुछ उगलवा लेते। उसने जो कहा सच ही कहा, वाकई बच्चे गायब होने के पीछे किसी और का ही हाथ है। एक बार पता चल जाए उसके हाथ है ना, मैं भूत लोक में लटका दूंगा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ हाथ पैर नहीं बॉस, उसे ही भूत लोक तक लेकर जाएंगे। मैं तो कहता हूँ उसका मुंह काला करके गधे की सैर करवाएंगे। नहीं 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 नहीं, मुंह लाल करेंगे और खच्चर पर उल्टा बिठा कर दौड़ाएंगे। एक मिनट, दोनों चुप करो, जरा सोचने दो मुझे। इस केस की जड़ तक जाने के लिए हमें सीन फिर से क्रिएट करना होगा। मतलब बॉस? मतलब ये कि तुम दोनों माँ और बच्चा बन जाओ और इस पिंजरे में कैद हो जाओ, एक दिन तक रहो, फिर देखते हैं ये बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं। अरे नया शेर, वो भी बच्चे के साथ झाड़ू घुमा के। अरे वाह, आज तो सुबह सुबह मेरी चांदी हो गई, वो भी झाड़ू घुमा के। अरे अरे, चल 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 चल, अंदर जा अंदर जा। ओए होए होए, देखा आपने बॉस, इस सफाई वाले ने तो बड़ी सफाई से चोरी की झाड़ू लगा के। अब ये हमें बाकी बच्चों तक भी ले जाएंगे झाड़ू घुमा के। Come on, let's go! आओ जुगरू, क्या लाए हो? अरे सेठ, ऐसा माल लाया हूँ कि आपको मजा ही आ जाएगा झाड़ू घुमा के। ये देखिए, शेर का बच्चा। अरे सेठ जी, मैं कह रहा हूँ ये बड़ा ही तगड़ा बच्चा है झाड़ू घुमा के। क्या बात, क्या बात, क्या बात, ये बच्चा नहीं, ये तो माला माल करने का जुगाड़ है। इसे क्या पता हमने क्या जुगाड़ किया है, आज के बाद ये माला माल बनने का सपना ही छोड़ देगा। ये कैसे, ये बड़ा कैसे हो गया? अरे चूहों के बच्चे, ये क्या शैतान उठा रहा है? तो शेर का बच्चा ही लाया था झाड़ू घुमा के। और एक सेकंड में कौन सा शेर का बच्चा बप्पर शेर बन जाता है? कहिए जादू शेर तो नहीं? मुझे नहीं चाहिए कोई शेर, मेरे इसे तू वापस अपने चिड़ियाघर में ले जा। डरो मत, मैं इसे अभी बेहोश करता हूँ। अरे सेठ, आपका तीर तो वापस आपकी तरफ आ गया है झाड़ू घुमा के। मैं तो कहीं भी नहीं जा पा रहा, आज मेरी जिंदगी का सरकस खत्म होने वाला है। तुम कौन हो? ये पूछो हम कौन हैं? अब बताओ गायब किए गए सारे बच्चे कहाँ हैं? वरना
यही है, सारे बच्चे यही है मेरे सर्कस में। प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करना। सॉरी सॉरी, गलती हो गई बूजी, झाड़ू घुमा के। माफी तभी मिलेगी जब सारे बच्चों को जैसे लाए थे वैसे ही उन्हें उनकी माँ के पास पहुँचा। मेरा बच्चा। चलो, बच्चे तो अपनी अपनी माँ के पास पहुँच गए, अब इन बच्चे चोरों का क्या करें? मैं तो कहता हूँ बॉस, इनको ना किसी मगरमच्छ के पास डाल दो। अरे नहीं नहीं, शेर के पास दे देते ना, वही निपट लेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। ये देख रहे हो, अगर फिर से ऐसी कोई हरकत की तो ये पूंछ लंबी होती चली जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, सच्ची प्रॉमिस। झाड़ू घुमा के। गुड, अब फूटो। थको पको, इन्हें तो समझ में आ गया, रात काफी हो गई है, हमारे सोने का क्या इंतजाम है? हमें पता था बॉस, चिड़ियाघर में घूमते हुए रात भी हो सकती है, इसलिए हमने इसी चिड़ियाघर के सातवें पिंजरे के बगल के मैदान के आठवें हिस्से के कोने में गड्ढा खोदा। उस गड्ढे से रास्ता सीधा जाएगा डर की ड्रैकुला के डाक बंगले पर, वहाँ चैन से सोएंगे बॉस। आपके लिए किंग साइज बेड है और हमारे लिए सोफा कम बेड है। ओह वाओ, दैट्स नाइस। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स गो।